मनुष्य को अपने कर्मों के विशेषाधिकार का दायित्व लेकर अपने धर्म के द्वारा पुण्य को दर्शाने वाले आत्मस्वरूपी के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। इस प्रकार देवता, ऋषि और ज्ञानी की अवस्थाओं को पार करते हुए मुक्ति प्राप्त करने योग्य कर्म की अवस्था तक पहुंच पाना भी जीवात्मा का भाग्य ही है।